वैसे ही एक बार फिर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर की चर्चा भी शुरू हो गई है और राजभर मैदान में आ गए हैं और बिगुल फूंक दिया है कि वो बीजेपी को हरा कर रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। ...2022 के चुनाव के पहले बीजेपी एक बार फिर से अपने उन साथियों से संपर्क साधने में जुट गई है जो किसी कारणवश उससे अलग हो गए थे, और उसमें ओपी राजभर तो सबसे प्रमुख हैं। बीजेपी राजभर को डोरे डालने में लगी है, लेकिन राजभर हैं कि कमल से किनारा करने पर अड़े हैं। राजभर को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि राजभर के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगियों से वादा कुछ और करती है और चुनाव जीतने के बाद अमल में कुछ और लाती है, इसीलिए राजभर भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बीजेपी 100% बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। इन्होंने जो जनता के बीच में वादा किया, ये वादे पर 100% फेल हैं। जो मेरे सामने वादा किया उसमें भी फेल हैं। दो साल तक अपना दलीय सरकार में था, उसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब चुनाव आ गया है, अब उनको भी झुनझुना थमा देंगे, अब वो गीत गाने लगेंगे। उसी तरह अभी आपने देखा कि एक नेता, वो भी बेचारे वहां हाजिरी लगाए हुए हैं, उनको भी मिल जाएगा। केशव मौर्या के नाम पर, पिछड़े समाज का सीएम बनाने के नाम पर वोट मांगा गया, अब किसके वोट मांगेंगे वोट? उस समय तो बहुत चिल्ला रहे थे कि केशव बनेंगे। केशव को झुनझुना थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, और उस नैया पर कौन सवार होगा? जो जान गया है कि नैया डूब रही है, तो उस पे कौन सवार होगा? 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, बीजेपी सत्ता में आ गई और राजभर कैबिनेट मंत्री बन गए। कुछ दिनों तक तो रिश्ते ठीक थे, लेकिन एक साल के बाद ही राजभर बागी हो गए और आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने पिछड़ी जातियों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। राजभर लगातार उन पिछड़ी जातियों के हक की मांग उठाते रहे जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और बीजेपी को राजभर की ताकत का अंदाजा अच्छी तरह से है, इसलिए राजभर को फिर से अपने पाले में लाने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की काफी अच्छी पकड़ है और वो सीधे चुनाव को प्रभावित करती है। पंचायत चुनाव में राजभर की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद से बीजेपी राजभर को मनाने में जुट गई है। पूर्वांचल में राजभर के कद का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में राजभर समुदाय की 3% आबादी है। पूर्वांचल में 12-22% आबादी है। पूर्वांचल के दर्जनों जिलों में दबदबा है। करीब 50 सीटों पर अच्छी पकड़ है। पंचायत चुनाव में राजभर की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ओम प्रकाश राजभर बीते कई सालों से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग पर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राजभर को मनाने के लिए उनकी मांग भी मान सकती है। उन्हें योगी कैबिनेट में फिर से एंट्री भी मिल सकती है, लेकिन राजभर को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं है। राजभर ने बीजेपी को झूठा पार्टी बता दिया। इतना ही नहीं, राजभर सपा बसपा के पास भी नहीं जाएंगे और साफ साफ ऐलान कर दिया है कि राजभर को किसी की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो खुद ओपी राजभर के पास आए। राजभर ने सबको साफ साफ संदेश दे दिया है कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमसे गठबंधन करें। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को मनाने के लिए तमाम नेता जोर जुगत में लग गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ओम प्रकाश राजभर मानेंगे या बीजेपी के खिलाफ इसी तरह से झंडा बुलंद किए रहेंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं अपना